अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ्रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिप्लोमेटिक स्पैट। मतलब स्पैट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है झगड़ा। तो इस एडिटोरियल में क्या बात हो रही है, इसमें वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन जो है, वो ताल्लुक है, वो ऑलरेडी बड़े ही कोल्ड फेज में है, बड़ा ही सर्द जा रहा है। मतलब कोई इतना वार्म रिलेशन नहीं है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। अब रिसेंटली क्या हुआ है, तो हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने क्या किया, मंडे के रोज़ जो एम्प्लॉयज़ थे इंडियन कमीशन के, उनको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया। जैसा कि वो एक इंसिडेंट में मुलविस थे जिसमें एक्सीडेंट हुआ था पेडेस्ट्रियन का और उनके पास से रिकवर हुई थी फेक करेंसी। और कह रहा है चंद हफ्ते पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो हाई कमीशन थे न्यू दिल्ली के अंदर, उनको भी निकाल दिया गया ये कहकर कि जी ये लोग जासूसी के कामों में मुलविस हैं। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है। इस तरह के और भी कुछ इंसिडेंट उसने बताए हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में भी उसने यहाँ पे जिक्र किया है, उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है इस एडिटोरियल में। तो एट द एंड जो ऑथर है वो ये बात करता है कि चाहे इंडिया की तरफ से जो भी प्रोवोकेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना चाहिए बड़ा मेच्योरली, उसको बड़ा सेंसिबल होकर रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान का मकसद यही है कि किसी भी तरह से साउथ एशिया में जो है वो अमन कायम रहे। तो वो इसके साथ वो ये भी बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान है उसको अनऑफिशियल और बैक चैनल्स जो हैं कम्युनिकेशन के, वो भी ओपन रखने चाहिए ताकि वो इंडिया से बात कर सकें। ये वो मेथड्स थे जो पास्ट में वर्क किए थे जब जो बड़ा टेंस टाइम चल रहा था। तो वो कह रहे हैं अभी भी ऐसे करो कि जो भी अनऑफिशियल बैक चैनल कम्युनिकेशंस हैं उसको ओपन रखो ताकि ये जो सिचुएशन है ये काबू से बाहर ना हो जाए और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में एक अच्छे और पुरमन तरीके से बातचीत कर सकें। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा वोकैब इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस कह रहा है, ये जो ताल्लुकात है ना, अच्छा कौन से ताल्लुकात? पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस ऑलरेडी इन द थ्रोज ऑफ एन एक्सटेंडेड कूल फेज, कहता है वो ऑलरेडी पहले ही गुजर रहे हैं एक बहुत ही ठंडे फेज से। हैव ओवर द पास्ट फ्यू डेज कह रहा है पिछले चंद दिनों से डिटोरेटेड, वो जो रिलेशन है ना, वो जो ताल्लुक है पाकिस्तान इंडिया का, वो मज़ीद ख़राब हो चुका है एज जैसा कि न्यू दिल्ली हैज़ इनिशिएटेड, जैसा कि इंडिया जो है वो शुरू कर चुका है अ क्वारल विद दिस कंट्री, इस कंट्री के साथ झगड़े को। कह रहे कि पॉसिबली हो सकता है शायद टू डिफ्लेक्ट, वो डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन को, तवज्जो को फ्रॉम इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्राइसिस। अटेंशन किस चीज़ से हटाना चाहता है? इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस चल रहे हैं ना, उस चीज़ से। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप जो ऑलरेडी बहुत ही इंतहाई ठंडे फेज से गुजर रहा था, अब पिछले चंद दिनों से ये हुआ है कि उनका जो ताल्लुक है वो मज़ीद ख़राब हो गया है। जैसा कि इंडिया ने क्या किया है, वो शुरुआत की है एक झगड़े की इस कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ। कहता हो सकता है वो असल में अटेंशन को मुंतकिल करना चाहता हो, तवज्जो किस चीज़ से हटाना चाहता हो? इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्राइसिस चल रहे हैं। अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हमारा सब्जेक्ट है। इन द थ्रोज ऑफ, कहता इन द थ्रोज ऑफ समथिंग का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कि बहुत ही किसी को ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, उसके मिड में, उस टाइम पीरियड के अंदर। तो अब ये कैसा टाइम चल रहा है, एक डिफ़िकल्ट टाइम ही चल रहा है ना। कैसा फेज है? कूल फेज है, बहुत ही सर्द बहुत ही ठंडा फेज है। एक्सटेंडेड का मतलब है इंटेंसिव, इंतहाई कूल फेज। अच्छा डिट्यूरेटेड का मतलब होता है टू बिकम वर्स, और ख़राब हो जाना, पहले भी ख़राब था अब और ख़राब हो गया। फर्दर मजीद, अच्छा न्यू दिल्ली जो है इंडिया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हैज़ इनिशिएटेड उसकी वर्ब है। पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब यहाँ पे है परहैप्स, मे बी, हो सकता है, शायद। अच्छा डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट करना अटेंशन को एक चीज से दूसरी चीज़ की तरफ। तो हो सकता है, कहता है ये इन चीज़ों से, इन क्राइसिस से ना तवज्जो हटाना चाहता हो, इसलिए इसने अब नया झगड़ा स्टार्ट कर लिया है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के रोज़ द इंडियन आस्क पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान से कहा टू रिड्यूस के कम कर दें स्टाफ स्ट्रेंथ, स्टाफ की तादाद को एट द हाई कमीशन, हाई कमीशन में इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर बाय हाफ आदि।
वो कह रहा है मंगल के रोज़ इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जी आपकी जो तादाद है, जो ऑफिशियल्स की तादाद है, आप उसको आधा कर दो हाई कमीशन के अंदर न्यू दिल्ली में, इंडिया में। पाकिस्तान आंसर्ड इन काइंड, कह रहा पाकिस्तान ने भी इसी तरह से आंसर दिया, इसी तरह से जवाब दिया, बेस्ड ऑन किसकी बुनियाद पर, द प्रिंसिपल, असूल की बुनियाद पर। असूल कौन सा? ऑफ रेसिप्रोसिटी, बाहमी ताउन का जो असूल है उसके बुनियाद पर पाकिस्तान ने भी इसी तरह से आंसर दिया। पाकिस्तान हमारा सब्जेक्ट है, आंसर्ड उसकी वर्ब है। अच्छा, इन काइंड, इन काइंड का मतलब होता है इन द सेम वे विथ समथिंग सिमिलर, कि जैसा आपने किया हमने भी उसी तरीके से आपको जवाब दिया, सेम वे से। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है, इसका अगर वैसे वन वर्ड में मीनिंग देखो ना, इसका मतलब होता है बाहमी ताउन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन टू पीपल, जब दो लोग या कंट्रीज या कोई भी, ठीक है, एग्री, वो मुतफिक होते हैं टू गिव ईच अदर, कि वो एक दूसरे को देंगे सिमिलर काइंड्स ऑफ हेल्प, कि एक ही जैसी मदद और सेम राइट्स देंगे, तो वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। टेंशन हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीजिंग, कह रहा है टेंशन जो है, तनाव, वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। ऑन मंडे, मंडे के रोज़ टू एम्प्लॉयज ऑफ द इंडियन मिशन इन इस्लामाबाद रिटर्न टू देयर कंट्री, कह रहे जो टू एम्प्लॉयज थे ना, किस चीज़ के एम्प्लॉयज, ऑफ लगा के बता रहा है, इंडियन मिशन के, इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बात कर रहा है, रिटर्न टू, उनको भेज दिया गया वापस टू देयर कंट्री, उनके मुल्क में, आफ्टर किसके बाद, दे वर इन्वॉल्व, जब वो शामिल हुए थे इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में इन इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान में, इन बीच जिसमें अ पेडेस्ट्रियन वॉज हर्ट, एक जो पैदल चलने वाला था वो इंसान हर्ट हुआ था, जख्मी हुआ था। टेंशंस जो थी वो कह रहा ऑलरेडी इंक्रीज हो रही थी। मंगल के रोज़ जो दो एम्प्लॉयज़ थे ना, उनको वापस भेज दिया गया उनकी कंट्री में, जब वो इन्वॉल्व थे एक एक्सीडेंट में इस्लामाबाद में, जिसमें क्या हुआ था, एक पेडेस्ट्रियन जो था पैदल चलने वाला था वो जख्मी हुआ था, हर्ट हुआ था। अच्छा, अब देखो, टेंशन हमारा सब्जेक्ट है, ऑलरेडी बीन इंक्रीजिंग, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस बना हुआ है कि माजी में ये काम हो रहा था, मतलब ये टेंशन जो थी ना वो इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। अच्छा, टू एम्प्लॉयज़, उसके बाद रिटर्न, दे वर इन्वॉल्व, वो शामिल थे, ये सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, जितने भी ये ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सबके सब सब्जेक्ट हैं, और ये आगे रेड कलर में जो हैं ये इनकी वर्ब हैं। अच्छा, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, अ पर्सन वॉकिंग, जो पर्सन वॉक कर रहा हो, नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, कि जो व्हीकल में ना हो, सिर्फ पैदल चल रहा हो। फेक करेंसी वॉज रिट्रीव्ड फ्रॉम द इंडियंस, कह रहा है जो फेक करेंसी थी ना वो हासिल की गई, रिकवर की गई इंडियन से। रिट्रीव्ड का मतलब क्या होता है? रिकवर करना। अ फ्यू वीक्स अगो, चंद हफ्तों पहले, टू पर्सनल ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली वर डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर कर दिया गया पर्सोनाए नॉन ग्रेटा, मतलब ना पसंदीदा शख्सियत, बाय द इंडियन इंडियंस के जरिए। कह रहे चंद हफ्तों पहले जो टू पर्सनल थे ना पाकिस्तान हाई कमीशन के, जो टू स्टाफ थे इंडिया में, उनको डिक्लेयर कर दिया गया, उनका ऐलान कर दिया गया, बता दिया गया जी ये नापसंदीदा शख्सियत हैं इंडियंस के ज़रिए। ये चीज़ हुई थी, ये डिक्लेयर किसने किया था? बाय लगा के बता रहा है, इंडियन इंडियंस ने किया था। अच्छा, परसोना नॉन ग्रेटा क्या होता है? अच्छा, जो आप परसोना नॉन ग्रेटा जो होता है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, जो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है परसोना नॉन ग्रेटा। ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है पर्सन नॉट अप्रिशिएटेड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पर्सन हु इज़ नॉट वेलकम इन पर्टिकुलर प्लेस, कि कोई पर्सन है जिसको जिसको कहा जाए ना कि ये पर्सोना नॉन ग्रेटा है, मतलब कि ये पर्सन वेलकम नहीं है इस कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा है या ऐसा किया है जो कि उनके अगेंस्ट था, और जिसकी वजह से उसकी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस पर्सन को कह देती है कि आप ये कंट्री को लीव कर दो। तो इस चीज़ को बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इशूड अ स्टर्न वार्निंग, जो फॉरेन मिनिस्टर है ना शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इशू की है एक बड़ी सख्त वार्निंग को टू इंडिया, इंडिया के लिए, ऑन वेनसडे, वेनसडे के रोज़, सेइंग, ये कहते हुए, दिस कंट्री वुड रिस्पॉन्ड, ये जो कंट्री है ये जवाब देगी विद फुल फोर्स, फुल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, टू एनी मिस एडवेंचर। अच्छा, वो कह रहा है फॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इशू किया एक बहुत ही सख्त वार्निंग को इंडिया के लिए वेनसडे के रोज़, ये कहते हुए कि ये जो कंट्री है ये भी फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्स करेगी अगर किसी भी किस्म की ट्रेजिडी हुई, किसी भी किस्म का कोई डिज़ास्टर हुआ।
द फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद हमारा सब्जेक्ट वर्ब, दिस कंट्री सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजिडी, डिजास्टर, कि कोई भी किस्म का कोई तबाही या कोई ट्रेजिडी या कोई डिजास्टर हुआ तो हम भी इसी तरह से आपको जवाब देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सेइंग नज़र आ रहा है ना, तो अब ये सेइंग क्या है? ये जो सेइंग है ना, असल में ये टू एक्शंस को एट अ टाइम बताता है, कि मतलब ये जो टू एक्शंस थे ये एक साथ हो रहे थे, कि जब उसने बड़ी सख्त वार्निंग दी थी ना इंडिया को, तो वो वार्निंग में क्या अल्फाज थे, वो ये अल्फाज थे, और ये किस तरह से दी थी, बड़ी सख्ती से ये वार्निंग दी थी। मतलब टू एक्शंस जो थे वो एट अ टाइम हुए, वार्निंग भी अपने मुँह से दी उसने और साथ किस तरह से दी, फुल सख्ती के साथ दी। रिगार्डिंग द स्केलिंग डाउन, कह रहा है स्केलिंग डाउन के बारे में, कम करने के बारे में, ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक की तादाद को, इंडिया हैज़ अलेज्ड, इंडिया इल्ज़ाम लगा चुका है दैट ये कि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफर्स वर इन्वॉल्व्ड, कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक स्टाफर्स थे ना वो मुलविस थे इन एक्ट्स ऑफ एस्पियोनाज, वो जो जासूसी के काम है ना उन कामों में ये मुलविस थे, एंड हैज़ ट्रॉटेड आउट, और बार बार वो रिपीट कर चुके हैं द ओल्ड बोगी ऑफ को, मतलब ओल्ड बोगी ऑफ मतलब एक ही वो जो पुराना कॉज है, जो प्रॉब्लम है, उसी को बार बार रिपीट कर चुके हैं, सपोर्ट फॉर अप्रूवल के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि सरहद से पार जो टेररिज्म है, जो दहशत करती है, उस चीज़ के अप्रूवल के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो स्केलिंग डाउन के बारे में वो बात कर रहा है कि जो डिप्लोमेटिक की स्ट्रेंथ को कम करना है ना, इंडिया ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक जो थे वो मुलविस थे जासूसी के कामों में, और बार बार वो एक ही बात को दोहरा चुका है, अप्रूवल के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जो वो करता है। तो स्केलिंग डाउन, स्केल डाउन का मतलब क्या होता है? एक होता है स्केल अप, उसका मतलब होता है ज़्यादा कर देना, ये है स्केलिंग डाउन, कम कर देना, टू मेक समथिंग स्मॉलर इन साइज अमाउंट एटसेट्रा, मतलब किसी चीज़ को उसके साइज में या उसके अमाउंट में कम कर देना, ये जैसे यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है उसकी कमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे अलेज्ड। अच्छा देखो, हमने पहले जो देखते थे ना वर्ड जो ज़्यादा नज़र आता था वो अलेजली आता था, ठीक है, वो एडवर्ब होता था जिसका मतलब होता था कि बगैर प्रूफ के ऐसा कहा जाता है, मतलब कोई प्रूफ नहीं हुआ, ये बात साबित नहीं हुई, तो इसको वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब इसको वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है टू असर्ट विदाउट प्रूफ, बगैर प्रूफ के किसी पर इल्ज़ाम लगाना कि ये किसी ने ये काम किया है। एस्पिनॉज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पाइन, जासूसी। अच्छा, ट्रॉटेड आउट, ट्रॉट आउट का मतलब होता है टू मेंशन समथिंग रेगुलरली और हैबिचुअली विदाउट गिविंग इन मच थॉट, बगैर उसको सोचे बस जो भी बात उसको बार बार दोहराते जाना। अच्छा, बोगी ऑफ, बोगी ऑफ समथिंग का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स और समथिंग दैट पीपल वरी अबाउट, कि वो चीज़ जिस जो वजह बनती है प्रॉब्लम्स की। स्पोर्ट फोर, स्पोर्ट फोर का मतलब होता है अप्रूवल। पाकिस्तान हैज़ डिनाइड दीज चार्जेस एम्फेटिकली, कह रहा पाकिस्तान जो है ना इनकार कर चुका है दीज चार्जेस, ये जो इल्ज़ाम लगाए थे ना उसने क्लियरली इन चीज़ों से इनकार कर चुका है, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए दिस कंट्रीज डिप्लोमेटिक स्टाफर्स, जो इस कंट्री के डिप्लोमेटिक ऑफिशल्स हैं ना, ऑलवेज फंक्शन, वो हमेशा काम करते हैं विद इन द पैरामीटर्स, किन लिमिट्स के अंदर, ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। तो अच्छा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान डिनाई कर चुका है साफ साफ इन चार्जेस को, इन इल्ज़ामात को, ये कहते हुए जो कंट्री के डिप्लोमेटिक स्टाफर्स थे वो हमेशा से काम करते रहे हैं उन पैरामीटर्स के अंदर जो कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है और जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। एम्फेटिकली का मतलब क्या होता है? विदाउट डाउट, क्लियरली, मतलब साफ साफ उन्होंने इनकार किया। पैरामीटर्स क्या होते हैं? फिक्स लिमिट्स होती हैं, ठीक है, दैट इस्टेब्लिश हाउ समथिंग शुड बी डन, कि किस तरह से जो काम है होना चाहिए, जो लिमिट्स उनको बताई गई हैं वो उन्हीं के अंदर रहकर काम करते हैं। वट एवर इंडिया स्पूरियस रीजन्स, कह रहा है इंडिया के जो भी फेक रीजन्स हैं ना, इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि दोज वो लोग हु कॉल द शॉट्स, जो कि पावर में मौजूद हैं इन न्यू दिल्ली इंडिया में, हैव चूजन, वो इंतखाब कर चुके हैं टू विलीफाई पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने का, इन ऑर्डर टू, किस लिए ये सब इंतखाब कर चुके हैं? डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ग्रोइंग डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म, जो उनके मुल्क के अंदर जो बढ़ता हुआ क्रिटिसिज्म है ना, किसका क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म ऑफ लगा के बता रहे था बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी के जरिए चलाई जाने वाली गवर्नमेंट का,
ओवर किसके ऊपर, इट्स बंगल्ड हैंडलिंग, कि वो जो इसकी ख़राब हैंडलिंग है ना ऑफ बोथ, दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, उनको लेकर। तो वो कह रहे हैं इंडिया के जो कोई भी फेक रीजन से ऐसा दिखाई देता है, वो लोग जो पावर में मौजूद हैं इंडिया के अंदर, वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को बदनाम करें। किस लिए? ताकि वो डाइवर्ट कर सकें उस बढ़ते हुए डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म को, जो कि बीजेपी लेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किस चीज़ के ऊपर, जो इसकी ख़राब हैंडलिंग है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर, इनको प्रॉब्लम्स को लेकर। अच्छा, अब देखो सुपीरियर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोगस, फेक, नॉट जेन्युइन, फॉल्स, झूठी। अच्छा, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू बी इन अ पोजीशन, उस पोजीशन में होना। पोजीशन कौन सी? अथॉरिटी की, पावर की, सो दैट यू कैन गिव ऑर्डर्स, ताकि तुम ऑर्डर दे सको एंड मेक डिसीजंस और फैसले कर सको। तो वही उन्हीं लोगों की बात कर रहा है ना जिनके पास पावर है न्यू दिल्ली के अंदर, वो डिसाइड कर चुके हैं, चूज कर चुके हैं। विलीफाई, इसका मतलब होता है स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसी के बारे में भी ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाना, मतलब किसी को बदनाम करना। अच्छा, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? डाइवर्ट करना चाहते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब इनके मुल्क के अंदर जो हैं, मुल्क के अंदर जो बढ़ते हुए क्रिटिसिज्म है। अच्छा, बंगल्ड, इसका मतलब होता है डन वेरी बैडली एंड विदाउट सक्सेस, मतलब बहुत ही ख़राब किस्म की हैंडलिंग, बहुत ही नाकाम रहना किसी चीज़ को हैंडल करने में। और हैंडल किस चीज़ की हैंडलिंग की बात हो रही है? इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को लेकर। लाइक मैनी अदर कंट्रीज़, कह रहा है दूसरी कंट्रीज़ की तरह अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में इंडिया हैज़ बिन हिट हार्ड, कह रहा है इंडिया भी बड़ी पूरी तरह से मुतासिर हुआ है बाई कोविड 19 के ज़रिए। विथ हॉस्पिटल बेड्स, कह रहा है हॉस्पिटल बेड्स के साथ अन अवेलेबल, जो कि मैसर ही नहीं है इन मेजर सिटीज़, बहुत बड़ी सिटीज़ में सजा, जैसा कि मुंबई एंड दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, इंडिया भी बड़ी पूरी तरह से मुतासर हुआ है कोविड 19 से। कह रहे हैं उनके जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो मैसर ही नहीं है, इवन के मेजर सिटीज़, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसा कि मुंबई और दिल्ली हो गया, वहाँ पे तो हॉस्पिटल बेड्स भी मैसर नहीं है। एक्सटर्नल फ्रंट, कह रहा है कि अगर आप एक्सटर्नल फ्रंट को देखो ना, ये तो डोमेस्टिकली बात की गई थी ना, आप एक्सटर्नल फ्रंट के पे आ जाओ। इंडिया हैज़ सफर, इंडिया एक्सपीरियंस कर चुका है एक बहुत ही एम्बेरसिंग रॉट को, एक एम्बेरसिंग शिकस्त को इन इट्स रिसेंट स्केमिश विद चाइना, जो इसकी हालिया फाइट हुई थी ना चाइना के साथ, अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ। अब ये देखो, ये तो बात उसने की है ना कि इंडिया को कोविड 19 से इंटरनली जो है ना अपने मुल्क के अंदर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। कहता अगर एक्सटर्नल फ्रंट की भी बात करो ना, तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है बड़ी शर्मनाक डिफीट को। अच्छा, डिफीट किस चीज़ में हुई है, शिकस्त किस चीज़ में हुई है, जो इसकी चाइना की, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इसकी, इसके साथ लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इंडिया सब्जेक्ट हो गया, हैज सफर उसकी वर्ब है। अच्छा, राउट का मतलब क्या होता है? डिफीट, शिकस्त। स्कैमिश का मतलब क्या होता है? फाइट, जंग, बैटल, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई हुई थी इसकी, इसके साथ। देयर आर ग्रोइंग कॉल्स, कह रहा है बहुत बढ़ती हुई कॉल्स आ रही हैं, डिमांड्स आ रही हैं इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर, फॉर रिवेंज, बदले के लिए, एंड द रिस्पॉन्स, और जो जवाब था, टू द स्टैंड ऑफ, वो जो सामना करना था विद चाइना, चाइना के साथ, बाय किसके जरिए, द नॉर्मली, आम तौर पर, टफ टॉकिंग, जो बड़ी सख्त बात करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज़ बीन सीन, उसको देखा गया है एज इन एडिक्वेट, उसको नाकाफ़ी देखा गया है, इस्पेशली खास तौर पर बाय द अल्ट्रा नेशनलिस्ट, जो भी उसके कौम, बहुत ही कट्टर शदीद कॉम्प्रस लोग हैं उनके ज़रिए। कह रहे हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा भर्ती हुई कॉल्स आ रही हैं रिवेंज के लिए, बदले के लिए, और जो रिस्पॉन्स था ना किसके ज़रिए था, चाइना के साथ वो जो फाइट हुई थी, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसमें जो रद्द अमल था ना किसके ज़रिए, ये जो सख्त बात करने वाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसको देखा गया था नाकाफ़ी के रूप में, कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये इनएडिक्वेट है, ये काफ़ी नहीं है हैंडल करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। और किसने इसको ऐसे देखा था इनएडिक्वेट, स्पेशली कह रहा है ख़ास तौर पर बाय द अल्ट्रा नेशनलिस्ट, वो जो इंतहाई कॉम्प्रस्ट हैं उन लोगों ने इसको ऐसे देखा था। अच्छा, ग्रोइंग कॉल्स, इसका मतलब होता है डिमांड फॉर समथिंग टू हैपन, बहुत भर्ती हुई डिमांड्स, डिमांड्स किसकी थी, रिवेंज की थी, बदले की थी। अच्छा, स्टैंड ऑफ क्या होता है? स्टैंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फॉरवर्ड ना जा सको, प्रोसीड ना कर सको, कोई चीज़, कोई बात आगे जारी
ना हो सके, क्यों? डिसएग्रीमेंट की वजह से। अच्छा, टफ टॉकिंग। टफ टॉक क्या होती है? टॉकिंग रियल हार्ड टू मेक योर सेल्फ लुक एंड फील बिग। बड़ी बड़ी बातें करना, सख्त बातें करना और ये बताना जी मैं बहुत बड़ा हूँ, हम बहुत पावरफुल हैं, तो उस बातों को कहते हैं टफ टॉक। अच्छा, इनएडिक्वेट, इसका मतलब होता है अगर आप किसी इंसान को इनएडिक्वेट तसव्वुर करते हो ना कि ये बंदा इनएडिक्वेट है, तो मतलब ये कि ये बंदा जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो डील कर सके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को। अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ये कौन होते हैं? ये शदीद कॉम्प्रस लोग होते हैं। दस लिहाजा इन एन एफर्ट, एक कोशिश में टू लुक दिखाई देने की स्ट्रॉन्ग मजबूत, द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट हैज़ कुक्ड अप द लेटेस्ट क्राइसिस विद पाकिस्तान। कहता अब यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सका, जो कॉम्प्रस लोग थे उन्होंने इनको तसव्वुर कर लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनएडिक्वेट, तो अब क्या हुआ? एक कोशिश में कि हम स्ट्रॉन्ग लगे, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया एक बहुत ही नए क्राइसिस को पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कुक्ड अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग सच एज एन आइडिया, एक्सक्यूज टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि वो किसी सिचुएशन से निमटने के लिए ना खुद से नई नई चीज़ें बना लेना, आइडियाज़ बना लेना, बहाने बना लेना। रिगार्डलेस बावजूद ऑफ द ग्रैंड स्टैंडिंग ऑफ हॉकिश इंडियन एलिमेंट्स, कह रहे ये जो भी शो ऑफ है ना, ये जो हॉकिश इंडियन एलिमेंट्स का, ये वो इंडियन एलिमेंट्स हैं जो कि जो पुरअमन बातचीत पे यकीन नहीं रखते, जो कि वॉर को पसंद करते हैं, पाकिस्तान शुड रिस्पोंड, पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना चाहिए, जवाब देना चाहिए मेच्योरली, बड़ा संजीदगी के साथ टू न्यू दिल्ली प्रोवोकेशन, जो न्यू दिल्ली की प्रोवोकेशंस हैं, जो उकसाने वाली हरकतें हैं, उनका जो जवाब है ना, उसने कहा कि बहुत मेच्योरली, बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। अच्छा, ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एन एक्शन दैट इज़ इंटेंटेड टू मेक, एक ऐसा एक्शन जिस जो किस लिए किया जाता है, शो ऑफ करने के लिए किया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग आपको नोटिस करें और आपकी तारीफ करें, तो वो ये ग्रैंड स्टैंडिंग की बात कर रहा है। अच्छा, हॉकिश, इसका मतलब होता है फोर्स का इस्तेमाल करना, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से आप फोर्स को इस्तेमाल करो, मतलब वॉर को लेकर आओ, बजाय किसके पीसफुल सोल्यूशन के, पुरअमन तरीके से जो सोल्यूशंस निकालना, इन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं रखते। प्रोवोकेशंस, प्रोवोकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अनोइंग समवन, ये जो हरकतें कह रहे हैं ना किसी को अनोय करने की, किसी को गुस्सा दिलाने की, ताकि वो जवाबन कोई एक्शन दे, वो कोई रिस्पॉन्स करे, तो वो होती हैं प्रोवोकेशंस। द गवर्नमेंट हैज़ मेड क्लियर, गवर्नमेंट जो है वो क्लियर कर चुकी है क्या, दैट ये कि एडवेंचरिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड, ऐसी कोई भी एडवेंचरिज्म जो है ना वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, ऐसी लापरवाही, ऐसे रिस्क टॉलरेट नहीं किए जाएंगे, एंड एक्सट्रीमिस्ट इंडियन हॉक्स, ये जो इंतहाई कॉम्प्रस लोग हैं ना इंडिया में, वुड डू, वो करेंगे वेल, अच्छा कि नो टू बीट द वॉर ड्रम्स, कि बेहतर होगा कि वो वॉर, ये जो वॉर की बात है ना, इसको सपोर्ट ना करें, इसकी बार बार बात नहीं करें। अच्छा, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है ना वो क्लियर कर चुकी है कि वो किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म को टॉलरेट नहीं करेगी, और जितने भी इंतहाई कॉम्प्रस लोग मौजूद हैं, बेहतर यही है कि वो वॉर की सपोर्ट में बात नहीं करें। अच्छा, एडवेंचरिज्म का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो पावर में मौजूद हो, ठीक है, जो पावर में हो, इंचार्ज हो, जिसके पास पावर हो, चाहे वो बिजनेस में हो या गवर्नमेंट में हो या आर्मी में हो, टेक्स डेंजरस रिस्क, जो ख़तरनाक रिस्क लेता हो, या क्या दूसरी बात है इसकी, और रेकलेसनेस और लापरवाही शो करता हो इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में और फॉरेन अफेयर्स में, तो उसको कहते हैं एडवेंचरिज्म। एक्सट्रीमिस्ट का मैंने बता दिया है कि ये वो लोग होते हैं जो फोर्स को इस्तेमाल करने पे बिलीव करते हैं बजाय किसके, पीसफुल सॉल्यूशन के। अच्छा, बीट द ड्रम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्पीक ईगरली इन सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की सपोर्ट में बहुत ईगरली बोलना, मतलब वो चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो वो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि वो बेहतर यही है कि वो इस चीज़ की सपोर्ट में बात नहीं करें। मीनवाइल, इसी दौरान, डिस्पाइट द रिडक्शन इन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ ऑन बोथ साइड, कह रहा है कि डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद, ये जो कमी हुई है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ में दोनों साइड से, इट वुड बी वाइस, ये बड़ा ही अच्छा होगा टू कीप ओपन अनऑफिशियल और बैक चैनल कम्युनिकेशन, कि ये बहुत ही अक्ल वाली बात होगी अगर वो रखे ओपन अनऑफिशियल, एक अनऑफिशियल और बैक चैनल कम्युनिकेशन के लिए, रबते के लिए, सो दैट ताकि एनिमोसिटी, जो भी दुश्मनी है, डू नॉट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि वो काबू से बाहर ना हो।
कह रहा है इसी दौरान जो भी रिडक्शन हुई है ना, कमी हुई है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ में, उनकी तादाद में दोनों साइड से, अब ये बेहतर यही है कि हम क्या करें, टू कीप ओपन, हम खुले रखें गैर सरकारी और बैक चैनल कम्युनिकेशन के लिए, रबते के लिए, ताकि क्या हो, जो भी ये नफ़रतें हैं, ये हॉस्टेलिटी है, ये काबू से बाहर ना हो। अच्छा, अब इट हमारा सब्जेक्ट वुड बी उसकी वर्ब एनिमोसिटीज़, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शदीद नफ़रत, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, अगर कोई सिचुएशन जो है ना वो स्पायरल होती है ना, तो इसका मतलब वो मज़ीद वर्स हो जाती है, बहुत ही वायलेंट हो जाती है, इतनी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओ, तो उसके लिए यूज़ होता है स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। सच एफर्ट्स हैव वर्कड, कह रहे हैं ऐसी एफर्ट्स जो थी ना, कोशिशें थी, वो काम कर चुकी हैं इन ब्रिंकिंग डाउन, कम करने में टेम्परेचर को, इन टेंस टाइम्स, वो जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें जो बहुत ही टेंस था, इन द पास्ट माजी में, तो वो कह रहे हैं ऐसी जो कोशिशें हैं ना कि जो ओपन रखना ऑन ऑफिशियल और बैक चैनल को कम्युनिकेशंस को, तो ऐसी एफर्ट्स कह रहा है कि ये मदद कर चुकी हैं, वो जो शिद्दत थी ना वक्त की, जब वो वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही टेंस था, उसकी जो शिद्दत थी उसको कम करने में ऐसी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई थी पास्ट में। अच्छा, द मैसेज फ्राम इस्लामाबाद शुड बी क्लियर, कह रहा है जो मैसेज है ना फ्राम इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान से, वो क्लियर होना चाहिए, वाइल जहाँ दिस कंट्री विल डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट ऑल हॉस्टाइल एक्ट्स, कहता है जहाँ ये कंट्री जो है ना डिफेंड करेगी अपने आप को किसके खिलाफ, अगेंस्ट ऑल हॉस्टाइल एक्ट्स, जितने भी दुश्मनियों वाले एक्ट्स होंगे उनके, इट डिज़ायर्स, ये ख्वाहिश करती है पीस अमन को इन साउथ एशिया में, एंड विल कीप इट्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, और ओपन रखेगी, खुली रखेगी किस चीज़ को, राबतों को, इन केस, कहता इन केस इंडिया वॉन्ट्स टॉक, कि शायद इंडिया जो चाहे टॉक करने के लिए, बात करने के लिए, तो वो कह रहा है कि, तो वो ये बात कह रहा है कि जो मैसेज है वो इस्लामाबाद की तरफ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहाँ ये कंट्री जो है ना अपने आप को डिफेंड करेगी, करेगी जो भी आपकी तरफ से जो हॉस्टाइल एक्ट्स आएंगे, दुश्मनी भरे जो भी एक्ट्स होंगे, उनसे अपने आप को डिफेंड करेगी, करेगी, लेकिन ये जो कंट्री है ये डिज़ायर भी करती है, ख्वाहिश रखती है एक अमन को साउथ एशिया में, और क्या करेगी, ये हमेशा ओपन रखेगी रबतों को, शायद वो कह रहा है इन केस जो इंडिया है ना वो चाहे बात करना, मतलब ये है कि पाकिस्तान हर तरह से ये चाह रहा है कि किसी तरीके से इंडिया से वो बात कर सके और जो मामलात हैं उसको पुरअमन तरीके से हल कर सके। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, काफ़ी लेंथी था, इसमें वोकैब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हुई है, तो कोशिश किए करें कि अपने नोट्स बनाएं और इनको नोट डाउन किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।